हाय जी, सबका स्वागत है द न्यूट्रिकल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज हम करने वाले हैं ओप्पो के F11 की अनबॉक्सिंग। इस फोन के लिए मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था और मैंने इसको मंगवा भी लिया था, लेकिन मैं कुछ प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गई। एक दो प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किए हैं तो उसकी वजह से मैं इसकी अनबॉक्सिंग अभी तक कर नहीं पा रही थी। और वैसे मैंने आप लोगों ने जितने भी फोन्स की रिक्वेस्ट करी है, 8-9 फोन और हैं, उनको भी मंगवा लिया है। उनकी भी अनबॉक्सिंग मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगी, साथ ही उन सबकी टेस्टिंग भी। तो चलिए आज फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि ये हमारा कैसा फोन है। चलिए फटाफट से खोलते हैं इसके बॉक्स को। सबसे पहले तो हम डिवाइस पे नजर डालेंगे। ये रहा हमारा डिवाइस और आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसका ब्लू कलर है। ब्लू कलर में डिवाइस काफी प्यारा लग रहा है देखने में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशन की। इसके अंदर हमें 162 mm हाइट मिलती है, 76.1 विड्थ, 8.3 mm थिकनेस और साथ ही 188 ग्राम्स का है ये हमारा डिवाइस। देखने में डिवाइस काफी अच्छा लग रहा है। बैक साइड में कर्व बॉडी मिलती है हमें, तो आप इसको इजीली एक हाथ से होल्ड करके यूज कर सकते हैं। और ब्लू के साथ जो ये कॉम्बिनेशन में हमें कैमरे के ऊपर फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर एकदम गोल्ड रिंग मिल रही है, वो बहुत ही प्यारी लग रही है देखने में। ब्लू के साथ गोल्ड कलर बहुत अच्छा लग रहा है कॉम्बिनेशन में। साथ ही ओप्पो की बैजिंग आप देख सकते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो फिनिश अच्छी है डिवाइस की। वैसे इसके अंदर हमें प्लास्टिक बॉडी मिलती है। फ्रंट साइड में हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट डिजाइन में डिस्प्ले है और डिस्प्ले के ऊपर स्क्रीन गार्ड लगा हुआ मिलता है। साथ ही इसके ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिलती है। तो डिजाइन एंड लुक वाइज तो डिवाइस हमारा काफी सही लग रहा है। अब इसको फटाफट से स्विच ऑन कर लेते हैं। जब तक ये स्विच ऑन हो रहा है, सेटअप करती हूँ मैं इसको, तब तक आपको दिखाती हूँ कि हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो बैटरी की बात करें तो डिवाइस के अंदर हमें मिलती है 4020 mAh की बड़ी बैटरी और उसके साथ ये है हमारा फास्ट चार्जर। 20 वॉट का फास्ट चार्जर है ये हमारा, जिसके अंदर आपको वो फ्लैश चार्जिंग मिलती है जिससे कि आपका डिवाइस काफी जल्दी से चार्ज हो जाएगा। हालांकि जल्द मैं इस डिवाइस का चार्जिंग टेस्ट और रियल लाइफ बैटरी ड्रेन टेस्ट कर दूंगी, जिससे कि हम पूरी तरह देख पाएंगे कि रियल लाइफ में आपको कैसा बैटरी बैकअप मिलता है। उसके साथ आप देख सकते हैं ये हमारी माइक्रो यूएसबी केबल, साथ में ये है हमारे ईयरफोन्स जिसके अंदर आपको 3.5 हेडफोन जैक मिलता है। ईयरफोन्स क्वालिटी वाइज काफी सही लग रहे हैं। और इसके साथ इस साइड आप देख सकते हैं ये है हमारी इजेक्शन पिन, साथ में ये है कुछ डॉक्यूमेंट्स और साथ में ये छोटी सी गड़बड़ कर दी ओप्पो ने, हमें दिया है जो बैक केस वो हमारा थोड़ा ब्लैकिश शेड में है। तो जो हमारी लुक आ रही थी अभी डिवाइस की, वो आप ये देख सकते हैं लुक पूरी छुप गई है। मतलब जो वो गोल्ड फिनिश दिख रही थी, ब्लू शेड दिख रहा था, पूरा छुप गया। मुझे समझ नहीं आता कंपनी ऐसा क्यों कर दिया। तो इससे पूरी लुक चली गई है हमारी। अब हम नजर डालते हैं इस डिवाइस के डिस्प्ले पे। इसके अंदर हमें मिलता है 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिलती है वाटर ड्रॉपलेट डिजाइन में। और डिस्प्ले टेस्ट भी मैंने इस डिवाइस का कर दिया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 4K फाइल भी हमने चला के देखी थी। वैसे डिस्प्ले देखा जाए तो हमारा ब्राइट कलरफुल डिस्प्ले है, आप ये देख सकते हैं। गेम खेलने में भी हमें कलर्स काफी अच्छे मिल रहे हैं। और गेम की बात करते हुए हम बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। हमें इसके अंदर मिलता है हीलियस P70 का प्रोसेसर, उसके साथ मेली G72 के ग्राफिक्स, साथ में कलर्स OS 6 का इंटरफेस जो कि बेस्ड है हमारे एंड्रॉयड पाई पे। और साथ में आपको 4GB रैम, 128GB इंटरनल मेमोरी मिलती है। उसके साथ अगर इस डिवाइस के हम प्राइस की बात करें तो ये हमारा जो 4GB 128GB वाला वेरिएंट है, ये वैसे तो हमारा 18,000 रुपए का है, लेकिन इसके ऊपर अभी हमारी एक कमाल की ऑफर चल रही है। 2,000 रुपए एक्सचेंज बोनस मिलता है अगर आपको पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं और 1,500 रुपए का कार्ड डिस्काउंट। तो ये डिवाइस आपको 14,500 रुपए में पड़ सकता है। इसका जो खरीदने का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अब आगे बात करते हैं, इस डिवाइस का एंटीटू स्कोर भी मैंने निकाल लिया है जो की आया है 1,42,000। प्रोसेसर के हिसाब से ठीक है स्कोर। और उसके साथ इस डिवाइस के अंदर हमें एक हाइपर बूस्ट मोड मिलता है जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़ जाती है। मतलब बैटरी कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज रखेगा डिवाइस और उसके साथ आपको गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़िया देगा। वैसे जल्द मैं इसका रियल लाइफ गेमिंग टेस्ट भी कर दूंगी जिसमें हम पबजी खेल के देखेंगे कि एक्चुअल में परफॉर्मेंस कैसी है रियल लाइफ में। अब उसके साथ बात कर लेते हैं इसके हम कैमरा सेटअप की। इसमें बैक में हमें मिलता है 48+5 MP का डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट में मिलता है 16 MP का सेल्फी कैमरा। बैक कैमरे के अंदर हमें काफी सारे मोड मिलते हैं, आप देख सकते हैं। हमें नॉर्मल मोड, पोर्ट्रेट मोड तो मिलता है, उसके साथ आपको नाइट मोड मिलता है, पेनोरमा शॉट मिलता है, एक्सपर्ट मोड मिलता है, टाइम लैप्स शॉट मिलता है, गूगल लेंस मिलता है, स्लो मोशन शॉट मिलता है। और इसके पिक्स पे अगर हम नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि पिक्स के अंदर सबसे पहले तो डिटेलिंग बहुत अच्छी मिल रही है हमें, एकदम बढ़िया क्रिस्प पिक्स आ रही है।
और उसके साथ बुके मोड में भी आप देख सकते हैं कि हमें एकदम बढ़िया कमाल का एच डिटेक्शन मिल रहा है और ब्लरिंग इफेक्ट भी बढ़िया है इसका, साथ ही डिटेलिंग बहुत सही लग रही है। और साथ में आप देख सकते हैं ये हमारी लो लाइट पिक है, नाइट मोड ऑन करके मैंने ली थी, अब बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि अंधेरे की पिक है, मतलब नॉइज भी कम है और कलर्स भी बढ़िया आ रहे हैं बढ़िया फोकसिंग के साथ, कि कलर्स को बिल्कुल नेचुरल रख रहा है, एकदम बूस्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल बढ़ा नहीं रहा, तो बढ़िया पिक्स आ रही हैं। और साथ में अगर हम सेल्फी कैमरे की बात करें तो हमें इसके अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, उसके अंदर भी काफ़ी सारे हमें मोड्स मिलते हैं, अपर्चर 2 है इसका, और इसके अंदर एक्चुअल में देखा जाए तो पिक्स जो हैं वो हमारी इतनी ब्राइट नहीं लग रही, मतलब मेरे को तो यार ओप्पो का ना ओप्पो F9 Pro जो था वो ज़्यादा बेटर लगता था, उसका 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा अभी भी मुझे बहुत सही लगता है, लेकिन ये जो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया ये मुझे बिल्कुल मज़ेदार नहीं लगा। तो कैमरा सेल्फी वाला तो बढ़िया नहीं है, बैक कैमरा से आपकी बढ़िया पिक्स आ जाएंगी। अब इसके बाद इस डिवाइस के अगर हम फेस अनलॉक पर नज़र डालें तो वो आप देख सकते हैं काफ़ी फास्ट वर्क कर रहा है हमारा फेस अनलॉक, फटाफट से डिवाइस को अनलॉक कर रहा है, और फिंगरप्रिंट लॉक भी आप देख सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस भी हमारी काफ़ी सही है। साथ ही इस डिवाइस के अंदर आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, OTG सपोर्ट मिल जाता है, उसके साथ आपको सेंसर्स की बात करें तो एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, जी सेंसर, लाइट सेंसर, मैग्नेटिक इंडक्शन और कंपास भी मिल जाती है। सो ये था हमारा ओप्पो का F11 जो कि वैसे देखा जाए तो ओवरऑल काफ़ी सही डिवाइस है, बस मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा, मतलब अगर इसका प्राइस जो है वो 2000 रुपये कम हो जाए तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन जाता है। इसका खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है वैसे, और साथ ही इसकी कुछ टेस्टिंग करी हुई है और बाकी की टेस्टिंग मैं जैसे जैसे करती चलूंगी आपको टेस्टिंग चैनल्स पे मिल जाएगी। सो आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा, मैं जल्द वापस आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।